ये राजधानी रांची मधुकम के महुआ टोली स्थित राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय है, जहां कहने को तो 5 कक्षाएं हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 ही क्लासरूम हैं। अब आप ही सोचिए कि 2 क्लासरूम में 5 कक्षाएं कैसे चलती होंगी। इतना ही नहीं, इन 2 रूमों में स्कूल के बाकी सामानों को भी रखा गया है, जिससे रूम में जगह और भी कम हो जाती है। ऐसे में बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। 2 ही क्लासरूम है हमारे पास, एक में 1-2 और एक में 3-5। पानी का भी प्रॉब्लम, उसको कैसे मैनेज करते हैं? चापाकल खराब है, चापाकल खराब है और बोरिंग भी खराब है। वो बन जाएगा कुछ दिन में, कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल दूसरे बोरिंग से पाइप के द्वारा पानी लाते हैं। एक ही क्लास में पूरा दर्री वर्री सारा कुछ रखा हुआ है। स्कूल में बनने वाले मिड डे मील के लिए रसोइयों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर भोजन तैयार करना पड़ता है। स्कूल में चापाकल तो है, लेकिन वर्षों से खराब पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। किचन के बगल में ही नाली का गंदा पानी भी जमा है, जो किसी को भी गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। ऐसे में बच्चे की स्थिति क्या होगी, जरा सोचिए। कभी अगर डीप बोरिंग चलता है तो ठीक है, अगर डीप बोरिंग नहीं चलता है तो हम लोग को इधर उधर से खोज के लाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। बच्चा के लिए हाथ धो, टॉयलेट के लिए देना होता है, पकाने के लिए दाल भात, चावल धो, दाल धो, भात उत पकाओ, सब चीज को हम लोग को यहाँ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर बाथरूम भी कर देता है आके, सब पियल खा लाता है, इधर से लड़का लोग आता है तो मर्दाना सब आता है, कोई औरतों आ जाता है, यहाँ पर कर देता है पेशाब साफ, फिर हम लोग ऐसे ही पकाते हैं। सुन सुन के क्या करेंगे, कराई जाएगी कि कितने नामांकन है, कितने वर्क अप्स है, और आवश्यकतानुसार अगर वहाँ देने की आवश्यकता होगी तो कमरा उपलब्ध कराया जाएगा, अगर जमीन होगा तो। गर्मी का समय है और जो मिड डे मील बनता है उसके लिए जो पानी की बात करें तो पानी बहुत लंबे एरिया कवर करके लाया जाता है। चापाकल वहाँ लगा हुआ है लेकिन खराब है, चापाकल मरम्मत करवा दिया जाएगा। स्कूल को निर्देश दिया जाएगा कि प्राप्त फंड से मरम्मत करवाएं, और ज़्यादा खराब होगा तो PhD से हम लोग अनुरोध करेंगे बनाने के लिए। जिले के अधिकारी इन स्कूलों का भ्रमण नहीं करते, ये समस्या महीनों से नहीं बल्कि सालों से है, लेकिन कोई भी अधिकारी स्कूल में आज तक नहीं पहुंचा, न ही यहाँ की स्थिति जानने का प्रयास किया। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में स्कूल की स्थिति बदलती है या नहीं। समाचार प्लस के लिए रांची से नीरज कुमार की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।